नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद आप तक न्यूज। संवाद आप तक न्यूज में आपका स्वागत। बाढ़ में पुलिस प्रशासन पस्त पड़ा हुआ है और अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है। आए दिन हर रोज कहीं ना कहीं बाढ़ मंडल में हत्याओं का दौर जारी है। खास करके बाढ़ क्षेत्र में तो हर रोज एक न एक हत्या का दौर चलता ही रहता है। कल रात एनटीपीसी थाना अंतर्गत एनटीपीसी के पीछे एक गार्ड को अपराधियों ने गोली मार दी, जो अभी भी इलाजरत है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ अनुमंडल के ही अकबरपुर में एक मिट्टी विवाद में अपराधी ने एक व्यक्ति की गोली मार दी, जिसके वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आपको पता है, विगत कुछ दिन पहले भी एक ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया था। इसके कुछ और दिन पहले की अगर याद करते हैं तो दोहरी हत्याकांड बाढ़ के सविता सिनेमा हॉल के पास हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से सुस्त है और लगातार बाढ़ में हत्याओं का दौर जारी है। पहले लड़ा लड़ी किया है, हाँ। कोई तो माथा ईटा चला है, कोई तो माथा फूट गया। आपके नहीं, हमारा लड़का के, हाँ। आओ पहले ढेला फेंका, दूसरा तेसरा लग गया, तेसरा के कब रात ही में, हाँ लग गया, हाँ। वो आया केस करने के लिए, तो हम आया केस करने के लिए, हाँ। उसके बाद घर पहुँच गया तो इसको गोली मार दिया। कौन गोली मार दिया? वही जिससे लड़ा लड़ी हुआ था कई लोग। नाम बताइए। अजीत नाम, अजीत, अजीत कौन? अजीत, अजीत कहाँ के है? इसका क्या नाम है? राजू है, राजू दास। राजू, आपका क्या नाम है? अदालत दास। अदालत दास, घटना कहाँ के है? अकबरपुर। अकबरपुर,